brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लालू प्रसाद यादव ने बोला है मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। आगे बढ़ते रहिए तुम। क्या प्रधानमंत्री ने बोला है कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कार्यक्रम कुछ नहीं कर। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने बिहार में एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। लालू ने भले ही बात बिहार में कही लेकिन इसका सियासी असर यूपी समेत पूरे देश में पड़ रहा है। तो हुआ ये कि अपने एक बयान में लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर दी। लालू प्रसाद यादव का बयान आया नहीं कि बीजेपी ने इस मुद्दे को झट से लपक लिया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालू यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सपा और आरजेडी को जब भी मौका मिलेगा वो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाकर जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करेंगे। हालांकि चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले मुस्लिमों की हितैषी बनी पल्लवी पटेल ने एक नारा दिया था, पीडीएम का नारा। पीडीएम मतलब पिछड़ा दलित और मुस्लिम। अब पल्लवी पटेल का साथ देने के लिए कदम से कदम मिला रहे थे हैदराबाद वाले भाईजान और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन लालू प्रसाद के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर जब पल्लवी पटेल से सवाल पूछा गया तो मैडम बिना एक शब्द बोले सवाल को टाल गई। मुस्लिम आरक्षण वाले सवाल पर पल्लवी पटेल ने कैसे कन्नी काटी, एक बार वो वीडियो भी देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव ने बोला है कि बस बस यही है। मैम 30 सेकंड बोलिए, 30 सेकंड कुछ बोलेंगे। अच्छा क्या कहना है जो लालू प्रसाद यादव ने बोला है मुसलमानों को पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। आगे बढ़ते रहिए तुम। क्या प्रधानमंत्री ने बोला है कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कार्यक्रम कुछ नहीं कर। कोई बात नहीं। तो पल्लवी पटेल के इस सवाल से कन्नी काटने को लेकर एक बात तो साफ हो गई है कि पल्लवी पटेल भी जानती हैं कि इस सवाल का जवाब देना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की जिस पिच पर सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों को खेलने पर मजबूर कर रही है वहां मुस्लिम आरक्षण पर बोलना पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा होगा। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।